हाय, आज हम आपको नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट में आर्मेनिया अजरबैजान के साथ ईरान की कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस के बारे में बताएंगे। आप लोग सोचोगे कि अरे यार, नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट तो कब का चला गया, तो अब क्यों पका रहा है। हाँ, जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो मैंने ये चैनल शुरू नहीं किया था ना, और चैनल ही तो इसीलिए खोला है कि आप लोगों को हटके जानकारी देने के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखना और मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि अगर दो अलग देशों के धर्म और कल्चर लगभग सेम होते हैं, तब एक पार्टिकुलर देश में अगर कोई तकलीफ खड़ा होता है, तब एक देश दूसरे देश को सपोर्ट करता है। ईरान और अजरबैजान का भी ऐसा ही है। ईरान और अजरबैजान की लगभग 90% लोग शिया बिलीफ से है। देखा जाए, ईरान मिडिल ईस्ट के किसी भी जगह पर शिया मुसलमानों के ऊपर अत्याचार बर्दाश्त ही नहीं करते। प्रॉक्सी वॉर चलता है सुन्नी सऊदी अरब के साथ। तो ऐसे मोमेंट पर ईरान और अजरबैजान के रिश्ते बहुत गहरी हो सकती थी, एकदम गहरी। इसी बात पर ईरान और आर्मेनिया के रिश्ते एकदम चाइना और ताइवान की तरह हो सकती थी, लेकिन असल में होता इसका उल्टा। ईरान एक शिया मुस्लिम देश को छोड़ के आर्मेनिया जैसे क्रिश्चियन देश को अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हैं, जो कि ईरान की तरह ऐसे कट्टर देशों के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका कारण क्या है? ईरान की नॉर्थ वेस्ट में एक रीजियन है जिसका नाम है अजरबैजान रीजियन। इस पूरे रीजन के मेजॉरिटी लोग अजरबैजानी भाषा बोलते हैं। कुल मिलाकर ईरान के टोटल 15 से 20% आबादी अजरबैजानी भाषा बोलते हैं। लेकिन तकलीफ ये नहीं, असली तकलीफ है दोनों जगह की ऑपोजिट सिचुएशन। एक तो अजरबैजान एक सेकुलर स्टेट है, कोई शरिया कानून नहीं है, लोग अजरबैजानी भाषा में पढ़ लिख सकते हैं, जो मर्जी कपड़े पहन सकते हैं, इंटरनेट के जो मर्जी वेबसाइट यूज कर सकते हैं, मतलब पूरा फ्रीडम है अजरबैजान के अंदर। दूसरी तरफ ईरान के अंदर कट्टर इस्लामिक कानून चलता है, औरतों को खास उतना आजादी नहीं दिया जाता। औरतों के लिए खास ड्रेस कोड बनाया गया है, वही औरतों को पहनना पड़ता है। ग्लोबल इंटरनेट बैन है, सरकार के खिलाफ कुछ बोलना मना है, मतलब लोगों के पास कोई खास फ्रीडम नहीं है। बात करें लैंग्वेज की तो ईरान का एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज है पर्शियन। इस रीजन के लोग सिर्फ स्कूल तक की पढ़ाई ही अजरबैजानी में कर सकते हैं, बाकी कॉलेज यूनिवर्सिटी तक उन्हें पर्शियन में ही पढ़ना पड़ता है, और सारे ऑफिशियल काम और न्यूज चैनल भी पर्शियन में ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो बॉर्डर के एक साइड पर पूरा फ्रीडम और खुद का देश भी है, दूसरी तरफ कैदी की तरह जिंदगी जीना। इतना ऑपोजिट सिचुएशन, फिर भी अजरबैजान ईरान के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि अजरबैजान एक कमजोर देश है और ईरान बहुत ताकतवर है। अगर कभी भी अजरबैजान तुर्की के सपोर्ट में आर्मेनिया पर डोमिनेट करता है, अजरबैजान की पावर भी थोड़ा बढ़ेगा। तब आने वाले समय पर अजरबैजान कभी भी ईरानियन अजरबैजानी लोगों के सिचुएशन के लिए वर्ल्ड लेवल पर एक हल्ला कर सकता है, या इस रीजन पर सेपरेटिज्म प्रमोट कर सकता है। ईरान की एक और दिक्कत है अजरबैजान के साथ। अजरबैजान दुनिया का एक ही मात्र मुस्लिम देश है जिसके साथ इसराइल का बहुत अच्छा संबंध है, यूं कहे तो प्यार है। अब ये क्यों है, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसीलिए फर्स्ट नागोर्नो काराबाख वॉर में इसराइल अजरबैजान को बहुत हथियार दे के मदद किया था, और ये बात ईरान को बहुत बुरा लगा। इसीलिए एक शिया देश होने के बाद भी शुरू से ही ईरान की झुकाव आर्मेनिया के ऊपर था। लेकिन तकलीफ ये है कि ईरान एक कट्टर इस्लामिक देश है, इसीलिए आर्मेनिया को खुल के सपोर्ट नहीं कर पाता। खैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं सिचुएशंस के बारे में। फर्स्ट नागोर्नो काराबाख वॉर में ईरान थोड़ा सा आर्मेनिया की तरफ झुका था, और सीक्रेटली ईरान आर्मेनिया को हथियार और पैसा सप्लाई किया था, ये कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। सेकेंड नागोर्नो काराबाख वॉर में ईरान एकदम न्यूट्रल था, किसी को भी सपोर्ट नहीं किया, बल्कि दोनों देशों को ये कहा कि जल्दी से युद्ध खत्म करके दो देश पीसफुली इस मैटर पे बात करो। लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मैटर पे ईरान सीक्रेटली आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि नागोर्नो काराबाख पर आर्मेनिया का कंट्रोल बने रहे, ताकि अजरबैजान आर्मेनिया के साथ भिड़े रहे एवं और भी कमजोर हो जाए, जिसके बाद वो कभी भी ईरानियन अजरबैजानी लोगों को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो आज की वीडियो से हम ये समझ सकते हैं कि जियोपॉलिटिक्स एक गेम है। यहाँ पर कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, सब अपने अपने फायदे के लिए एक दूसरे के साथ दोस्ती या दुश्मनी करता है। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।